हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ असम नीट का काउंसलिंग रिलीज हो चुका है, उसे कैसे चेक करें। और असम नीट और असम MBBS BDS का दोनों का काउंसलिंग रिलीज, तो मैं एग्जांपल के तौर पे दोनों का वैसे प्रोसेस सेम टू सेम लगभग लगभग सेम है, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर नीट का ले रहा हूँ। नीट के बदले आप MBBS BDS भी लिख सकते हैं, जस्ट वही आपको आ जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा काउंसलिंग कैसे चेक करें असम नीट और असम MBBS BDS का। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें असम नीट MBBS BDS का जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो इसी चैनल पे आते रहते हैं। मेक श्योर करें इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बात आज की नहीं है, बात अगले है कुछ सालों की, जब तक आपके प्लेसमेंट ना हो जाए, जब तक आपके लिए प्रैक्टिकल्स ना हो जाए, जब तक आपके बाईपास ना हो जाए, तब तक आपके इंटर्नशिप ना हो जाए, जब तक आपके कल्चरल इवेंट्स ना हो जाए, जब तक आपके टेक्निकल फेस्ट ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक स्पेशल चैनल बनाया गया है, जिसका नाम है इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो मेक श्योर करें इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्यूचर में इसके अपडेट्स मिलते रहें। तो आपको असम नीट और MBBS BDS का काउंसलिंग चेक करने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र में जस्ट google.com ओपन करें और उसमें सर्च करें असम नीट MBBS BDS, जो भी आपको लिखना है वो, फिर असम काउंसलिंग 2020 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, जिसमें असम नीट काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, वो इसी वेबसाइट पे आते हैं। तो मेक श्योर कर इस वेबसाइट को भी बुकमार्क कर लें, ताकि आपको डेली इसके अपडेट्स भी मिलते रहें। तो जस्ट हमें इसे गूगल सर्च करेंगे, गूगल सर्च परफॉर्म होगा, गूगल सर्च परफॉर्म हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं असम नीट 2020 काउंसलिंग 6 नवंबर, यहाँ पर लिखा है www.iaspaper.net। जस्ट आपको इसी पे क्लिक करना है और किसी पे नहीं। इस पे जैसे हम क्लिक करें, एक नए वेब पेज पे आएंगे, नए वेबसाइट पे आएंगे, तो जो यही है IAS पेपर वेबसाइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे IAS पेपर लिखा गया है। इसको मैं 125% जूम करूँ, ताकि आपकी विजिबिलिटी पे आपको देखने में कोई परेशानी। तो यहाँ पर लिखते हैं असम नीट काउंसलिंग 2020 रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड, गेट शेड्यूल हेयर, प्रोसीजर हेयर। असम नीट काउंसलिंग 2020 हैज़ बीन स्टार्ट ऑन 6 नवंबर, जो कि आज ही के दिन अभी हुआ है, हम आपको तुरंत अपडेट दे रहे हैं। तो मेक श्योर करें आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी तुरंत अपडेट्स मिलते रहें। इससे पहले फॉर्म आए, इस फॉर्म को भर दे, जरूर भरें। आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप जिस भी सिटी से रहते हैं, जिस भी स्टेट से रहते हैं वो डालें। आप किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, किसी भी राज्य से हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हरियाणा डाल दे रहा हूँ। आप जिस भी सिटी से हैं वो डाल दें। हरियाणा के मैं जिन सिटी का हूँ तो मैं जिन डाल दे रहा हूँ। आप जिस भी सिटी, जिस भी स्टेट के हैं वो डालें। आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड, आपकी आपका जो भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है वो डालें, जो भी आपके कोर्स में इंटरेस्ट वही डालें। मैं अपना यहाँ पे एग्जांपल की तरफ से लॉ लिख दे रहा हूँ, तो लॉ में डाल देता हूँ। आपका जो हो वो डालें। क्लिक करना सिंपली आपको, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी कुछ भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो सकती है, जैसे मेरे आपकी 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, PG डिग्री, कुछ भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे डिप्लोमा लिख देता हूँ, तो यहाँ पे डिप्लोमा पे मैं क्लिक कर दिया और गेट फ्री क्लास पे क्लिक करें। इससे क्या होगा, असम नीट, असम MBBS BDS से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है, वो आपके ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पर आएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेक श्योर कर इस फॉर्म को भी ज़रूर भर दें। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप कुछ हाईलाइट्स में लिखे गए हैं, काउंसलिंग स्टार्टेड असम नीट काउंसलिंग स्टार्टेड हैज बीन 6 नवंबर, जो आज के दिन अभी हुआ, तो हम आपको तुरंत अपडेट, क्लिक हियर टू रजिस्टर। जैसे हम इस पर क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, एक नए पेज पे आएंगे, एक नए वेबसाइट पे आएंगे, तो जस्ट आपको इस पर आना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, जैसे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लॉग इन ओनली ऑलरेडी लॉग इन कैंडिडेट, जस्ट आपको इस पर लॉग इन करना है, क्योंकि आपने लॉग इन तो कर दिया जो रजिस्टर, और उस पर अगर आपको लॉग इन करेंगे तो आपका इनवैलिड हो जाए। जो आपका एप्लीकेशन और यू एप्लीकेशन नंबर होगा वो भी डाल सकते हैं, और यूज़र नेम होगा वो भी डाल सकते हैं। जो भी आपका एप्लीकेशन, जो भी आपका यूज़र नेम है वो डाल दें, दोनों में से किसी एक ही को डालें, और यहाँ पे आपका पासवर्ड डालें। जैसे पासवर्ड आपका जो भी हो वो डाल दें और लॉग इन पर क्लिक करें। इससे क्या होगा, असम नीट और MBBS BDS से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके काउंसलिंग आपके सामने आ जाएगी, फिल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको करना है, यहाँ पे लॉग इन पेपर चेक कर सकते हैं, कैंडिडेट लॉग इन, यहीं से आप, अगर आप इसका वैसे डेट निकल चुका है तो आप इसी पे आएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं आपको जाके
ऑलरेडी लॉग इन वाले को मिलेगा सिर्फ यहाँ पे यूज़र कैंडिडेट यूज़र नेम जो भी हो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लॉग इन पे कि अगर आपका फॉरगेट पासवर्ड हो गया तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम लिखना है जो भी आपका यूज़र है यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है और डेट ऑफ बर्थ जैसा ये DDMMY पे लिखना है जिससे आपका डेट होगा जैसे 13 डेट हो गया और मंथ होगा आपका 3 तो जस्ट आपको यहाँ पे 3 लिखना है और 2000 जो भी हो वो लिख देना है। अगर 20 के बीच में आप ऐसा भी कुछ स्लैश भी मार सकते हैं हाँ मार सकते हैं स्लैश स्लैश मार सकते हैं ऐसा अगर ये नहीं हो रहा तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं ऐसा तो आपको जैसा दिया गया वैसा करें। यहाँ पे स्लैश में बताया गया कि DD/MM/YYY मतलब डेट स्लैश मंथ स्लैश वाई और रिट्राई पासवर्ड पे क्लिक करें से आपके यूज़र आईडी पे या फिर जो आपने नंबर दिया रहेगा आपका जो ईमेल दिया रहेगा उस पे आपके OTP या फिर पासवर्ड आ जाएगा या फिर रिसेट पासवर्ड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट डेफिनेटली कमेंट करें तो मेरी इस वीडियो ने आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर कर देगा। ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कि वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।